कह रहे हैं तुमसे पूर्वी, डॉक्टर की बात मान लो, यही एक तरीका है। नहीं डॉली, हमारा मन नहीं मान रहा है। हाँ ये तो रॉन्ग है यार। क्या रॉन्ग है? अपने बारे में सोचना रॉन्ग है या प्रैक्टिकल होना रॉन्ग है? एक बात बता, क्या करेगी तू, कैसे पालेगी इस बच्चे को तू? नहीं पता मैं अभी ये सब, लेकिन हम इसे हनुमान जी के मंदिर में जाके मन को शांति मिलती है बद्री। हाय काशी। हाय, ये लो प्रसाद, ले लो तुम लोग। अच्छा संकट मोचन गए थे तुम लोग? हाँ मन उदास था थोड़ा, तो बद्री ने कहा और हम। अच्छा काशी, हम ना पूर्वी के साथ कैफे जा रहे हैं, हमें कुछ बात करनी थी उससे। ठीक है। वैसे जो बात करनी है यही कर सकती हूँ। सब पता है हमें। हमें कल ही सब पता चल गया था। पूर्वी, हमसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बुरा थोड़ी ना चाहेंगे हम। अरे तुम्हारे लिए कभी कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे हम। तुम आज भी हमारे लिए वही पूर्वी हो जो पहले थी। कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें भरोसा तो है ना हम पे? हाँ काशी, हम भरोसा करते हैं तुम पे। तुम्हें पता तो है बाबू को फोन किया। किया था। तो क्या कहा बाबू ने? शादी करेगा तुमसे? काशी तुम हमारे इतने अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम इतना नहीं समझ सके हमें। हम उस बाबू से कभी शादी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। हमने फोन किया था उसे गालियां देने के लिए। सामने आता ना तो चार थप्पड़ लगाते हम उसे काशी, चार थप्पड़। पूर्वी रो क्यों रही हो? तू उधर बैठो, रो मत पूर्वी, बैठो। बद्री। हाँ पानी लेकर आते। तुम रो काहे रही हो? सब लोग हैं ना तुम्हारे साथ। ये लो पानी पियो, पियो पानी पियो, मत रो। रो इसलिए रही कि ये समझ ही नहीं पा रही कि क्या करे। डॉक्टर भी कह रही है कि अबॉर्शन कर सकते हैं, लेकिन क्या? क्या कह रही हो डॉली? एबॉर्शन? बच्चा गिराओगी क्या पूर्वी? ऐसा नहीं हो सकता, भ्रूण हत्या पाप है, जानते हैं ना? हम जानते हैं कुसुम, और हमारा मन भी इस बात के लिए गवारा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर डॉली की बात पर विचार किया जाए तो वो भी लगता है कि सही कह रही है। डॉली, ये डॉली, अब डॉली की बातों में आ गई पंडित जी। डॉली बच्ची है, उसे क्या पता होता है माँ बनना? मतलब कोई माँ अपने ही बच्चे का खुद ही कैसे? पंडित जी हम ये नहीं होने देंगे, आप मना कर दीजिए फौरन, अभी के अभी। कुसुम, ये वक्त भावनाओं में बहने का नहीं है। तुम तो खुद कितने समझदार हो, हमेशा हमें दुनियादारी समझाने की कोशिश करती हो, और खुद तुम और
और बात सिर्फ डॉली की नहीं है, डॉक्टर ने भी यही कहा है। सोचो कुसुम, पूर्वी की पूरी जिंदगी का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल। अरे पंडित जी आप समझ नहीं रहे, अनर्थ हो जाएगा, पाप चढ़ेगा हम सबको। पंडित जी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, एक 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 नन्ही सी जान, निष्पाप निर्दोष, उसको आप सुन, हम जानते हैं उस अजन्मे बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन ये भी तो सोचो अगर वो दुनिया में आ गया तो क्या होगा उसका। बिना बाप के नाम के पूर्वी कैसे पालेगी उसे, दुनिया जीने देगी उसको? हमारे रूढ़ीवादी समाज का कितना तिरस्कार झेलना पड़ेगा उस बच्चे को। कुसुम समझने की कोशिश करो। हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपकी एक बात नहीं सुन रहे हैं, हम कुछ नहीं सुनेंगे आपकी बात। ठीक है तुम सुनो ना सुनो, लेकिन पूर्वी अपना फैसला कर चुकी है, और वैसे भी हमें अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर्स का कहना है कि ये कुछ हफ्तों तक ही सेफ होता है, उसके बाद नहीं, और हम ये भी नहीं चाहते कि बात बाहर फैले और लोगों को पता चले, इसलिए। यानी आप इस घर में भ्रूण हत्या होगी पंडित जी, और सबसे छिपा भी ली जाएगी। पंडित जी हमने तो सुना था औरों के घरों में ऐसे कई पाप छिपा लिए जाते हैं, फिर दीवारों में चुनवा दिए जाते हैं, और फिर बरसों वो पाप उन इसीलिए दीवारों से रिश्ते रहते हैं, कभी किसी बच्चे के किलकारी के रूप में, कभी किसी माँ के सिसकने के रूप में। हमने सुना था, लेकिन यही नहीं सोचा था कि किसी दिन ये पाप हमारे घर में भी होगा। कुसुम हमारी बात सुनो। नहीं, नहीं 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 पंडित जी सुन लीजिए, आप मेरी एक शांति से मेरी बात सुनिए। देखिए ये घर आपके दादाजी का बनाया हुआ है ना, आपकी अम्मा की आत्मा बसती है यहाँ, वो गलियारे के मंदिर में पंडित जी अम्माशी की देवी देवता बसते हैं, और तुलसी चौबारा में सांझ सवेरे दिया जलता है। इस घर में तुम जानते हैं सारी बातें सही कह रही हो तुम, लेकिन हमारी बात सुनो। सुनिए आपकी अम्मा हमारे हाथों सौंप के गई थी ये घर, ऐसा हुआ तो हम आपकी अम्मा को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे उनसे कि इस घर में। नहीं नहीं पंडित जी ये हमसे नहीं होगा। तुम देखो भावनाओं में बह रही हो, बात को समझने की कोशिश करो। छोड़िए बहुत गलत। कुसुम हमारी बात सुनो। बहुत गलत, बहुत। कुसुम मानती हमने पटका मारे, लेकिन इतना भी नहीं, पाप पुण्य का फर्क हमें समझ में ना आए। भगवान का दिया हुआ एक प्रसाद समझिए, उसको काट देंगे, वो काट देंगे शरीर से, इनकी अम्मा होती तो करने देती क्या। पूर्वी इधर आ बेटा, बेटा किसी ने कुछ कहा तुझसे, कोई जोर दे रहा है तुझ पे बेटा? नहीं आंटी जी, डॉली की बात मत मान, उसे क्या पता, तू मां बनने जा रही है बेटा। कुछ एहसास हो रहा है आंटी जी, यहां एक छोटा सा जीव पनप रहा है बेटा,
बदतमीजी से बेटा मत मार। हाँ, हमारी सर की कसम खा बेटा मत मार। प्लीज आंटी जी ऐसे मत कीजिए प्लीज। हम क्या करें हम क्या नहीं करें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है आंटी जी। एक ही दिन में हमारी पूरी दुनिया बदल गई है आंटी जी। तो मैं कह रही थी कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बच्चे को आंटी जी। सब पूछेंगे कौन है इस बच्चे का बाप उसको। ये लेजिटिमेट बुलाएंगे आंटी जी। हम क्या कहेंगे अब हमें कुछ कहने को नहीं होगा हम यही सह पाएंगे ये सब आंटी जी। बस बस बोल भी बस बेटा ओ राम इसी उम्र में इतना कुछ देख लिया इस बच्ची ने। भगवान किसी को भी इतना बदनसीब न बनाए। बस बेटा बस ए बेटा इस सबसे तो गुजरना होगा। कुछ करते हैं बेटा हाँ कुछ तो करना होगा। तो तरीका होगा बेटा। अरे भाई मुबारक हो त्रिपाठी जी। पार्टी ऑफिस से फोन भी आ गया और आपको एमएलए का चुनाव लड़ने का टिकट भी मिल गया। अरे गिरिराज जी ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी। अरे हम तो पार्टी के पास एक अदना सा कार्यकर्ता है बस। हाँ हम अच्छे से जानते हैं। देख रही हो संध्या इसे कहते हैं बड़प्पन। हम जानते हैं गिरिराज जी आप कभी भी अपने मुंह अपनी तारीफ नहीं करते लेकिन सब जानते हैं कि पिछले दो चुनावों से इस चुनाव का सारा कार्यभार आपने संभाल रखा है। ए बेटा देख क्या रहे हो जरा इधर आओ हैं गिरिराज जी के साथ हमारे दो चार फोटो खींचो। एक मिनट एक मिनट एक फोटो गुलदस्ते के साथ खींच। अरे गिरिराज जी हां ये ना बात। अरे सावित्री संध्या बहन का बात है यहाँ तो कुछ समारोह चल रहा है। दुकान बंद है क्या आपकी? अरे नहीं नहीं ये तो त्रिपाठी जी का अलग ही कार्यक्रम चल रहा है। दुकान तो खुली है ये देखिए ना। आइए ना आइए आप लोग अंदर आइए। छोटू बेटा कस्टमर है जरा इनको साड़ियां दिखाओ। भैया इधर रुक इधर रुक। नंदेश्वरी है ना ये। अरे नमस्ते माता जी आप तो जगन्नाथ मिश्रा जी की पत्नी है ना। भूल गए हम आपके घर आए थे। नहीं बेटा याद नहीं आ रहा है। अच्छा आइए ना अंदर आइए अंदर आइए। अरे आइए आइए माता जी बहुत सही समय पर आए। अरे संध्या मुंह मीठा करवाओ भाई जी। माता जी आपको जानकर खुशी होगी कि हमें पार्टी टिकट मिल गया इस बार। हाँ और इस साल एमएलए का चुनाव हम आपके एरिया से ही लड़ेंगे। लीजिए लड्डू खाइए माँ जी। प्रणाम माता जी। आप लोग इस बेचारे के पिता का पैसा इसको क्यों नहीं दे देते हैं? अब याद आया। नहीं नहीं हम नहीं हम असल में एक बाबू को खोज रहे हैं। सुना है उसके माता पिता यही कहीं एक उनकी बड़ी साड़ी की दुकान है। अरे माता जी यही तो है सबसे बड़ी साड़ी की दुकान जी। और हम ही हैं बाबू के माता पिता। बताइए ना क्या बात है। आप बाबू के माता पिता हैं? हाँ हाँ माता जी हमें सुबोधकांत त्रिपाठी ये है हमारी धर्मपत्नी संध्या त्रिपाठी और हमारा बेटा अनिरुद्ध त्रिपाठी उर्फ बाबू। वैसे आप परेशान क्यों लग रही हैं माता जी? हमारे बाबू से क्या काम था आपको? बाबू से काम नहीं है दरअसल आप माता पिता है हमें आपसे काम है। लोग तो जानते हैं ना कि हमारे घर में वो लड़की है पूर्वी वो आपके बाबू से
प्यार करती है और बाबू भी उसे चाहता है। बाबू ने बताया होगा। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है माताजी, जैसा आपको लग रहा है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे हाँ, दोनों साथ कॉलेज में पढ़ते थे, दोस्त थे, जैसे आजकल के लड़के लड़कियां होते हैं। उसके अलावा उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। आपस में वो लोग प्रेम करते हैं। पता नहीं आपको बताया कि नहीं, लेकिन वो शादी भी करने वाले थे, कोरट में ब्याह करने वाले थे, पर जाने क्या हुआ, आखिरी वक्त आसुनी हो गई और बाबू ने भी इसको बहुत सुनाया, ब्याह नहीं हो पाया। और भी पेट से है भाई साहब। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? हम बकवास नहीं कर रहे, सच्ची कह रहे हैं। वो डॉक्टर नहीं थी ना, लेडीज डॉक्टर, उन्होंने कंफर्म किया है। हम विनती कर रहे हैं भाई साहब, आप शादी करा दीजिए बाबू और पूर्वी की, तो उस बच्ची का जीवन सर्वनाश हो जाएगा भाई साहब। हाँ तो सर्वनाश हो जाएगा तो उसकी खुद की वजह से होगा, ना कि हमारे बाबू की वजह से। बच्चा तो बाबू का है ना। झूठ, सरासर झूठ बोल रही है वो लड़की। अरे हम जानते हैं अपने लल्ला को, हमारा बाबू ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। नहीं 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 भाई जी, वो झूठ नहीं बोल रही है, आप हमारा विश्वास कीजिए। अच्छा ठीक है, आप हमारा विश्वास नहीं कर रहे तो आप अपने बाबू से पूछिए ना, उस पर तो आप विश्वास करेंगे ना। आप बुला लीजिए, बात कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मासूम के जीवन का सवाल है। मासूम? और वो लड़की? अरे जानती क्या आप उसके बारे में? हम पूर्वी को जानते हैं। कुछ नहीं जानती आप। अगर जानती होती तो आप ये भी जानती जिसकी आप पैरवी कर रही हैं उसका कैरेक्टर क्या है। अरे जिस लड़की के माँ बाप तक ने उसे छोड़ दिया, अपनाने से इनकार कर दिया, उस लड़की को आप अपने सीने से लगाकर बैठी हुई हैं। हमने देखा है कैसे वो हमारे लड़के के आगे पीछे घूमती है, उसे रिझाती है, लुभाती है। अरे इससे अच्छा तो वो किसी कोठे पे बैठ जाती। भाई साहब, अरे माता जी, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वैसे तो आप अच्छे खानदान से हैं और यहाँ के लोग आप लोगों का मान सम्मान भी करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस उम्र में आप उस त्रिया चरित्र लड़की की दलाली क्यों कर रही हैं। दलाली? हाँ हाँ दलाली। अरे हमारे भोले भाले लड़के के ऊपर कीचड़ उछालकर आपको क्या मिल रहा है? अरे आप चाहती क्या है, क्या चाहिए आपको? हमारे लड़के पर इल्जाम लगाकर आप उसके माँ बाप को ब्लैकमेल करना चाहती हैं, उनके माँ बाप से पैसा हटना चाहती है, यही है ना? आप ये चाहती ना, ये पैसा लीजिए, लीजिए, ये लीजिए पैसा। चीज तो और ले लीजिएगा, हम दे देंगे, कम पड़े तो फिर देंगे। लेकिन हमारा एक काम कर दीजिएगा माँ जी, उस लड़के को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर ना ये बच्चा गिरवा देना, और भगवान के लिए किसी और पापी का पाप का घड़ा हमारे बेटे के सर पे मत फोड़िए। अरे कम से कम इस उम्र में अब तो अपनी कुछ इज्जत करो, वरना यहां के लोग आपके और आपके पति के ऊपर थू थू करेंगे, थू थू, समझ गए आप? लड़की के माँ बाप तक ने उसे छोड़ दिया,
उस लड़की को आप अपने सीने से लगाकर बैठी हुई है। अरे इससे अच्छा तो वो किसी कोठे पे बैठ जाती। मेरी समझ में नहीं आता कि इस उम्र में आप उस त्रिया चरित्र लड़की की दलाली क्यों कर रही हैं? उस लड़की को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर ना ये बच्चा गिरवा देना। किसी और पापी का पाप का घड़ा हमारे बेटे के सर पे मत फोड़िए।